हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बिंदास फैमिली ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं एक नई जगह जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, जिसका नाम है मैनपुरी। और साथ में मेरे हैं काकू और साथ कौन है आशु और आशु। तो चलिए आपको रास्ते में मिलते हैं और नई नई चीजें दिखाते हैं और मिलते हैं आगे मैनपुरी में। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे आपने पहले भी देखा होगा जब हम आगरा लेके गए थे आपको। तो चलिए चलते हैं आगे। सफ़र थोड़ा लंबा है, लगभग 3 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है यहाँ से मैनपुरी तक का। चलिए मिलते हैं आगे। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं मिडवे पे। यहाँ लास्ट टाइम जब मैं आगरा गया था तो आपने देखा होगा कि दूसरे फूड जोन में रुके थे। आज हम रुके हैं यहाँ पे शिवा ढाबा पे। बहुत ही फेमस ढाबा है उत्तर प्रदेश के, लगभग सभी हाईवेज पे बना हुआ है शिवा ढाबा। तो चलिए कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे शिवा ढाबा पे। खाना भी काफी अच्छा है, लेकिन हम थोड़े जल्दी में थे, हमने कुछ ज्यादा कुछ खाया हुआ नहीं, पानी वानी लिया है। और अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन के और मिलते हैं आगे। तो गाइस, कंपैरेटिवली आज ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है थोड़ा सा मुझे एक्सप्रेस वे। लग रहा है दुनिया घूमने जा रही है, क्योंकि ये रास्ता जो है यही आगरा भी जाता है। तो सेकंड सैटरडे है ना? अच्छा, फोर्थ सैटरडे संडे की छुट्टी है ना, वीकेंड। हाँ, वीकेंड है, वीकेंड मना रहे हैं लोग बाग, वीकेंड मना रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं। सो गाइस, इस वक्त हैं हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और रास्ते में यहाँ पे जा रहे थे तो एक हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति नज़र आई हमें। और इस वक्त हैं हम कुरावली मैनपुरी इटावा रोड पे। तो चलिए वीडियो बना रहे हैं मामा, ब्लॉग आपको दिखाते हैं। नीचे जाने का रास्ता नहीं तो चलते हैं नीचे। अच्छा, इसे पता नहीं था कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इसको अभी पता लगा तो उसने बोला अच्छा ये ब्लॉग के लिए शूट कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको मूर्ति है कहाँ। ये देखिए, थोड़ा दूर है तो आपको एकदम क्लियर व्यू नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बजरंगबली के दर्शन हो गए रास्ते में। और दिन भी शनिवार का था, शनिवार का दिन है। चलिए बढ़िया है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अभी मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में का एरिया कैसा है,
और अब आप यहाँ देखिए, ये थोड़ा एरिया डिफरेंट है पश्चिम उत्तर प्रदेश से, यानी कि गांव किसानी और जो भी खेती बाड़ी के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ बीच बीच में पठार टाइप एरिया भी है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कानपुर, कानपुर के बाद तो या आगरा से ग्वालियर और मध्य प्रदेश एरिया लग जाता है, तो काफ़ी डिफरेंस है ज्योग्राफी वाइज। काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, मतलब काफ़ी बोलना गलत होगा, थोड़ा डिफरेंस है। चलिए चलते हैं आगे। सो गाइस, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मैनपुरी का कट है, और उससे पहले और 1 किलोमीटर है सैफई। सैफई जो कि मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव है। चलिए चलते हैं आगे। सो गाइस, हमने एक्सप्रेस वे छोड़ दिया है और अब हम अंदर की रोड पे आ गए हैं जो कि मैनपुरी जाती है, और यही रोड है जो कि आगे फरुखाबाद भी जाती है, और बीच में सैफई के लिए भी एक कट यहाँ से भी आता है, एक्सप्रेस वे से भी आगे से भी आता है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं मैनपुरी, और मतलब अंदर दाखिल ही हुए हैं फिलहाल मैनपुरी के अंदर। आगे करल चुराया है, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं मैनपुरी। मुझे याद है एक बार जब मैं मैनपुरी आया था तो रात को शादी थी, तो एटीएम गए पैसे निकालने के लिए, तो एटीएम में ताले लगे हुए थे, यहाँ पे रात को ताले लगा देते हैं। आज की डेट में क्या सिचुएशन है नहीं पता, लेकिन तब तो यही था, काफ़ी साल हो गए मुझे ये बात होगी, शायद 2012 या 2013 की। चलिए चलते हैं आगे। सो गाइस, हैप्पी की गाड़ियाँ खड़ी हुई है, हम मैनपुरी पहुँच चुके हैं, और हैप्पी शायद एयर कट करवा रहे हैं, चलते देखते हैं। गाइस, इस वक्त मैं अवध नगर कॉलोनी मैनपुरी स्टेशन रोड पर, और अब हम जा रहे हैं मेरे गाँव। गाँव का नाम क्या है? ग्राम ढाकपुरा, ये है ब्लॉक, ये यहाँ के ब्लॉक प्रमुख का मकान है। चलिए फिर मिलते हैं आगे। आप गाइस, ये बाबत चौराहा है मैनपुरी में, क्योंकि तो मैनपुरी की एक पहचान भी है। अभी महाराजा तेज सिंह की मूर्ति लगेगी यहाँ पे, ऐसा बोल रहा है हैप्पी का। मंडा ज्यादा बना नहीं पड़ा था मैं जब पहले आया था मैनपुरी, और तब से अब तक मैं काफी फर्क दिख रहा है। खैर, टाइम के साथ चीजें बदलती भी है। चलिए चलते हैं आगे। गाइस, यहाँ देखिए ये मक्का लगी हुई है, मक्का का खेत है। तो गाइस, हम हैप्पी के गांव से निकल चुके हैं, जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो गया है, उसके बाद अभी हम निकले हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। सुना है मैनपुरी में कुछ चीज़ें फेमस हैं। काकू बता रहा था कि नमकीन, क्या काकू? और कुछ नमकीन और कपूरी, मैनपुरी कपूरी, मैनपुरी कपूरी, तो लेते हैं और आगे चलते हैं, मिलते हैं फिर। तो गाइस, हमने नमकीन ले ली है, किसकी दुकान से थी भाई? गंगा नमकीन, गंगा नमकीन मैनपुरी से, फेमस है, फेमस है जो कि मैनपुरी की। वापस निकल चुके हैं वापसी के लिए घर की तरफ। चलिए मिलते हैं पहुंच के फिर। सो गाइस, हम वापसी में हैं, और देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे रात को कितना मस्त लग रहा है। गाड़ी एकदम मक्खन मलाई की तरह चल रही है, और अभी हमें लगेंगे 3 घंटे 7 मिनट 224 किलोमीटर यहाँ से अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं। सो गाइस, रात के 11:30 बज गए हैं, और अब हम पहुँच गए हैं वापस। बस थोड़ी दूर पे ही हमारा घर है, तो पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। तो
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.